अस्सलाम वालेकुम, मैं जबीन AKA DJ, वेलकम टू एक रेसिपी। आज की रेसिपी है नो मैजिक मैजिक स्लाइसेस। मीठा खाने का दिल चाह रहा हो लेकिन मेहनत करने का बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा हो तो बनाएं ये डिज़र्ट। इट्स अ हैसल फ्री बट अ क्राउड प्लेजर। तो आए बनाते हैं नो मैजिक मैजिक स्लाइसेस। तो यहाँ पे स्टार्ट करने से पहले मैंने 350 पे अपने अवन को प्रीहीट करने के लिए छोड़ दिया है और अब हम स्टार्ट करते हैं अपने इंग्रेडिएंट्स की मिक्सिंग। ये यहाँ पे मैंने यूज़ किया है मैरी बिस्किट, क्योंकि ये हल्के मीठे होते हैं। आप कोई भी ऐसे बिस्किट जो हल्के मीठे हों वो यूज़ कर सकते हैं। ये पूरा एक स्टैक अभी मैं इसका यूज़ कर रही हूँ और इसको मैंने रफली ब्रेक कर रही हूँ ऐसे। तो इसका टॉप लगाते हैं अपने फूड प्रोसेसर को और इसको थोड़ी सी देर के लिए हम, तो ये हमारा ऑलमोस्ट रेडी है। जो हमने एक स्टैक लिया था अपने कुकी का, उसमें अराउंड 33 कुकीज थे। तो अपने कुकी और बिस्किट क्रम्बल में मैं 1/3 कप ऑफ मेल्टेड अनसॉल्टेड बटर ऐड किया है और अब इसको करेंगे पल्स। ये हमें ऐसी इसकी शेप चाहिए कि जब हम इसको प्रेस करें तो ये अपनी शेप होल्ड करके रखे। जैसे यहाँ पे देखें, मैंने ऐसे निकाला है और इसको ऐसे कर रही हूँ तो ये अपनी शेप को होल्ड करा हुआ है। तो बस ये हमारा अब रेडी है और अब हम इसको अपने पैन में डालेंगे झटपट, जो कि ऑलरेडी ग्रीस्ड है और पार्चमेंट पेपर लगा हुआ है। ये 9x13 पैन है। तो हमारा ये कुकी मिक्सर जा रहा है पैन में और इसको यहाँ पे हम एक थिन लेयर में स्प्रेड करेंगे और अपने हाथों को यूज़ करेंगे, प्रेस करते हैं उसको अगेंस्ट द पैन ताकि वो अपनी जगह पे सेट हो जाए। चलें जी, इसको स्प्रेड करा ऑल फोर कॉर्नर्स में, सही से ले गए। ये देखें, ये अच्छे से हो गया है। और अगर आपको स्पैचुला से करना है ताकि आप ऑल कॉर्नर्स में सही से रीच करें तो ये ज़्यादा आसानी होगी। और ये मैंने थोड़ा सा पार्चमेंट पेपर हैंगिंग रखा है ताकि जब हमारा ये रेडी हो जाए तो इसको हमें निकालने में आसानी हो। अब हम इसके ऊपर जल्दी जल्दी अपने ये रेस्ट ऑफ द इंग्रेडिएंट डालेंगे और इसको बेक करेंगे 350 डिग्रीज पे फॉर अंटिल ऊपर से टर्न हो जाए हमारा गोल्डन, और इट विल टेक मे बी 20 मिनट्स, लेट्स सी। तो चले अब डालते हैं इसमें अपना पहला इंग्रेडिएंट जो कि है खजूर। जी हाँ, डेट्स। ये है पिटेड डेट्स और मैंने इसको छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है, ये 1.5 कप। और इसको इवनली हम अपने पैन में डालेंगे तना तन तन। कोशिश हमारी यही है कि हर कॉर्नर में हमारा खजूर का पीस चला जाए और लग रहा है कि कोशिश में कामयाबी हो गई है। अब इसके ऊपर से डालेंगे हम अपने चॉकलेट चिप। ये 1 कप सेमी स्वीट चॉकलेट चिप ये जाएंगे इसके ऊपर। हम इसमें ऑल्सो नारियल डाल रहे हैं। मेरे पास ये देखें, ये कुछ नारियल के फ्लेक्स हैं, बहुत ही थिन है
जैसा कि आप देख सकते हैं, इट्स वेरी थिन। तो ये मैं हाफ अ कप के करीब ये डाल रही हूँ। अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मैं जो हूँ इसके अलावा श्रेडेड कोकोनट भी यूज़ कर रही हूँ, और आप इसको सब्स्टिट्यूट करके उसके उसके अमाउंट को इक्वल बना सकते हैं। लाइक हाफ अ कप ये था तो आप वन कप श्रेडेड कोकोनट यूज़ कर लें। तो ये जा रहा है इसके ऊपर। कोकोनट की खुशबू अभी बेक नहीं हुआ है तो इतनी अच्छी आ रही है, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि जब ये बेक होगा तो और कितनी प्यारी खुशबू आएगी। और ये है एलमंड जो के थिनली स्लाइस हुए हुए हैं, ये देखें, ये भी जाएंगे इसके ऊपर। और ये एलमंड हमारे थे वन कप। और अब ये है स्वीटन कंडेंस मिल्क, कोई भी ब्रांड आप यूज़ कर सकते हैं, और ये एक कैन है 14 औंस का। ये इसके ऊपर से टॉप पे हम ड्रिजल करेंगे। और अब हम इसको बेक करेंगे 20 मिनट्स के लिए, और जब तक के हमारा जो टॉप गोल्डन हो जाए। ये देखें, हमारा टाइमर अप हो गया है, मुझे 25 मिनट्स लगे हैं। आप अपने ओवन के हिसाब से और अपनी हाउ बिग योर डिश इज उसके हिसाब से, लेकिन आपको ये कलर चाहिए, ये खूबसूरत सा कलर हमें चाहिए। और आई नो इट्स वेरी टेम्पटिंग, बट हमें वेट करना है 15 मिनट्स ताकि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए बिफोर वी कट द स्लाइसेस एंड ट्राई। तो वेट करते हैं एंड मिलते हैं इन 15 मिनट्स। तो जनाब, हमारे ये डिज़र्ट हमने हाफ एन आवर इसको रेस्ट करने दिया है, और हमें एटलीस्ट हाफ एन आवर वेट करना है ताकि ये ठंडा हो जाए, तो फिर इसके आसानी से स्लाइसेस हो जाते हैं। और अब हम इसके करेंगे स्लाइसेस। तो हमारा डिज़र्ट रेडी है, और मेरे पूरे घर में इतनी प्यारी खुशबू बसी हुई है, कोकोनट की एंड चॉकलेट चिप की भीनी भीनी सी खुशबू। और अब करते हैं ट्राई और बताते हैं आपको कि कैसा है ये। बिस्मिल्लाह, बहुत मज़ेदार, कोकोनट और एलमंड का क्रंच, डेट्स की गुइनेस और चॉकलेट का फ्लेवर, क्या कॉम्बिनेशन है जनाब। आपको ट्राई करना ही पड़ेगा पता लगाने के लिए, और आप ज़रूर ट्राई करें और ख़ुद भी खुश हों और लोगों को भी खुश करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को डिंग करना मत भूलिएगा। याद रखिए, आपके खाने में लज्जत इंग्रेडिएंट से नहीं, प्यार और तवज्जो से आती है। तो ऑलवेज कुक विद योर हार्ट। ऐसी और बहुत सारी दिलचस्प और मज़ेदार रेसिपीज के लिए आइंदा भी मिलते रहेंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।